नमस्कार दोस्तों। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मेटे न दोष। दोस्तों, सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने अंदर अनेक शक्तियों के संचार के लिए, अपने किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए, साथ ही बिजनेस की तरक्की के लिए, हर प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए, अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, सुख साधनों की प्राप्ति करने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए, पाप बोध से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है और आपको अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो इस दिन शुक्राचार्य के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद किसी मंदिर में इत्र का दान करें। इस मंत्र का जाप करने से आपकी जल्द ही एक अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं की नित नई चालों से परेशान हैं तो अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस दिन किसी कुम्हार के घर जाकर कोई एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाए और ध्यान रहे कि उस बर्तन पर ढक्कन जरूर लगा होना चाहिए। घर लाने के बाद उस बर्तन को एक जगह रख दे। अब एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर अपने शत्रु का नाम लिखे और उस पर शुक्र के मंत्र का 5 बार जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस प्रकार मंत्र जाप करने के बाद उस कागज़ की पर्ची बनाकर कुम्हार के घर से लाए हुए मिट्टी के बर्तन में डाल दे और उस ढक्कन को लगाकर घर से कहीं दूर वीराने में छोड़ आए। ऐसा करने से आपको जल्द ही शत्रुओं की नित नई चालों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन एक कटोरी में जौ पीसकर बनाया गया सत्तू लेकर उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर मंदिर या फिर किसी धर्म स्थान पर दान कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। अगर आप अपने बिजनेस संबंधी किसी डील को लेकर परेशान हैं और उसकी वजह से आप किसी अन्य काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं तो इस गाय का घी लेकर देवी लक्ष्मी के मंदिर में दान करें और दोनों हाथों से माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी बिजनेस संबंधी डील में चल रही परेशानी का हल निकलेगा और आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की मजबूती को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन अपने जीवन साथी के साथ किसी साफ पानी के स्रोत, नदी, तालाब या पोखर के पास जाएं और फिर वहां जाकर उस स्रोत के जल को दोनों हाथों में लेकर वरुण देव का ध्यान करते हुए और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए जल को धीरे धीरे करके वापस उसी पानी के स्रोत में डाल दें। लेकिन अगर आपका जीवन साथी किसी काम में व्यस्त है या आपसे कहीं दूर है तो आप स्वयं भी साफ पानी के किसी स्रोत के पास जाकर अपने और अपने जीवन साथी के निमित्त यह उपाय कर ले। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर ना जा पाए तो घर पर ही नल का साफ पानी लेकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके वरुण देव का ध्यान करते हुए ये उपाय कर ले। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की मजबूती हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं और उनसे हाथ जोड़कर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही देवी माँ को पुष्पांजलि भी अर्पण करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र लग गई है और अब आपके जीवन में पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो नज़र दोष से बचाव के लिए तो इस दिन एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर की टिकिया लेकर जलाएं और उससे पूरे घर में धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद उस जलते हुए दिए को अपने घर के बाहर रखाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों को लगी बुरी नज़र हटेगी और आप दोनों के बीच फिर से प्यार बहाल होगा। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग गया है और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन से शुरू करके अगले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक प्रतिदिन एक नीले रंग का फूल लेकर घर के बाहर किसी गंदे नाले में बहा दें।
यह उपाय करने से आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत होगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन आपको जलवेतस यानी कि केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप जलवेतस यानी कि केन के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए। अगर उपासना के लिए आपको जलवेतस यानी केन का पेड़ ना मिले तो इंटरनेट से उसकी फ़ोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल होगी। अगर आप अपने परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो रिश्तों में मजबूती लाने के लिए इस दिन दही का कुछ बनाकर पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाएं और उसके बाद प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप दही का कुछ ना बना पाए तो केवल दही लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर अपने इष्ट देव को भोग लगाएं और उसके बाद अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। साथ ही स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर ले। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। अगर आप अपने कैरियर को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन नया मिट्टी का एक बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर किसी मंदिर या फिर किसी सुपात्र ब्राह्मण के घर दान कर दे। ये उपाय करने से अपने कैरियर को आप एक बेहतर दिशा देने में सफल होंगे। अगर आपके घर में काफ़ी दिनों से लक्ष्मी जी का आगमन नहीं हो रहा है और आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ रहा है तो इस दिन माता महालक्ष्मी की आराधना करें और उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर सुने। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अगर आपको यह मंत्र बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई हो आप इस दिन केवल श्रीम रीम श्रीम इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीम ही है। इस दिन माता महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद घर के मंदिर में विधिवत पूजा करें। रोली घोलकर अपने पूजा घर के बाईं और दाईं दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मंदिर में एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सफलता के लिए पति या पत्नी में से कोई एक चंद्रदेव को अर्घ अर्पण करें। यदि आर्थिक संकट से परेशान है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर इस मंत्र का जाप करते हुए ओम श्राम श्रीम श्रोम स्र चंद्रमशे नमः या फिर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करके चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ दें। इस दिन माता लक्ष्मी के चित्र पर 11 पीली कौड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक करें। दूसरे दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख लें। इससे घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आकाश की ओर मुख करके अच्युत अनंत गोविंद इन तीनों नामों का 108 बार उच्चारण करें। इसके बाद आटे की पंजीरी में केले के टुकड़े मिलाकर श्री हरि को भोग लगाकर प्रसाद बांटें। इससे सेहत संबंधी समस्या का समाधान होगा। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें इत्र और सुगंधित धूप अर्पण करें। इससे धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहेगा। किसी कार्य को जल्दी करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर पहले दोनों का विधिवत पूजा करें, फिर नारियल के गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पण करना चाहिए और कार्य के जल्दी पूरे होने की प्रार्थना करें। आपका काम जल्दी ही पूरा होगा। व्यापार में तरक्की चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि साझेदार आपकी बात माने तो श्री नारायण का मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मान्यता के अनुसार हर पूर्णिमा के दिन पीपल में माता लक्ष्मी का वास होता है, अतः प्रातःकाल पवित्र होकर पीपल में मीठा दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन ऐश्वर्य का वरदान मिलता है। किसी भी कार्य में सफलता का संदेह हो तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने गाय शुद्ध घी का दिया जलाकर सच्चे मन से अपनी बात कह देने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। छात्रों को अगर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हो रही हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ या फिर गीता जी के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैरियर में तरक्की पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को पीली चीज़ें जैसे कि चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, गुड़ या पुखराज रत्न आदि दान देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण का विधि विधान से पूजन करके गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इससे भी विद्यार्थियों की परेशानियां दूर हो जाती है। कुंडली में यदि गुरु दोष है तो बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य जाप करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर माता पिता से आशीर्वाद लें। संसार में माता पिता को व्यक्ति का प्रथम गुरु कहा गया है। माता पिता जन्मदाता होने के साथ ही हर व्यक्ति के प्रथम गुरु भी होते हैं, क्योंकि वही संतान को सबसे पहले संसार का ज्ञान करवाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता को एक स्थान पर बिठाकर उनकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करनी चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जो इस प्रकार माता पिता के प्रति आदर और श्रद्धा भाव रखते हैं, भगवान विष्णु की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है। इस दिन गुरु के वचनों को सुनना और पढ़ना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी पुराण अथवा गीता का पाठ कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का यथासंभव पूरे ध्यान से जाप करना चाहिए। इस दिन गुरु मंत्र का जाप करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। साल में कुछ खास पूर्णिमा तिथि है जिनमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाना बहुत ही लाभप्रद होता है। इनमें आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि भी एक है। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। धन लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आप सुबह जल में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार की सफाई करें। घर की साफ सफाई के साथ ही प्रयास करें कि इस दिन मुंह से कोई अपशब्द ना निकले। घी का दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे यह कारण है कि इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। पहले काल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास जी के हट पर माता ने वन जाने की आज्ञा दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेदव्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित है। वेदव्यास जी को कृष्ण देवप्यायन के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास जी का जन्म होने के कारण ही इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।